आंटी प्लीज लास्ट टाइम मैं आपको आंटी तुमको अगर 40 साल की औरत हो तुम पागल तो मुझे आंटी कह रही हो तुमसे 6 साल बड़ी मैं आपको कह रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ अजीब सी सूरत हाल पाई जाती है, कहीं हम लोगों को इतनी ज़्यादा इज्जत से नवाज देते हैं कि दूसरे को इज्जत रास नहीं आती, और कहीं इतनी लान तान और बदनाम करने लगते हैं कि अगला बोलता है कि ज़मीन फट जाए और इंसान उसमें ज़िंदा तरगोर हो जाए। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इसमें इंतहाई अहम रोल अदा कर रहा है। इसी सोशल मीडिया पर खसूसन ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें अदाकारा उज़्मा खान और उसकी बहन हुमा खान को दिखाया गया है। ये पोस्ट शोबिज एंड न्यूज़ के अकाउंट से शेयर की गई है। मुबैना तौर पर उज़्मा खान पर वो खातून इल्ज़ाम लगा रही है कि उसके उस्मान खान नामे किसी शख्स के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल ताल्लुकात कायम हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक खातून दोनों बहनों को जदोकोप करके बातें उगलवा रही हैं, और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उज़्मा खान और उसकी बहन खौफ ज़दा हैं। उज़्मा खान के ड्रेस से वाज़ह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस पर तेल या कोई और चीज़ छिड़क दी गई हो। बहरहाल मामला जो भी हो, लेकिन इस किस्म की हरकत इंतहाई कबीह और दर्दनाक हैं, क्योंकि जो भी हो मगर वो ख़वातीन हैं, और हर इंसान की अमूमी तौर पर और औरतों की खसूसी तौर पर इज़्ज़त व एहतराम करना हमारा मजहबी फरीज़ा है। किसी की इज़्ज़त को यूं उछालने से हमें गुरेज करनी चाहिए। माशाल्लाह हमारी कौम इन मामलात को इंतहाई बारीकी से समझती है, इसलिए इस पोस्ट के नीचे कमेंट्स में वीडियो बनाने वाली खातून को खूब तनकीद का निशाना बनाया गया और कहा कि इस खातून को जो वीडियो बना रही है, अगर वीडियो बनानी थी और उनकी इज्जतें यूं ही सरेआम उछालनी थी तो खुद वो सामने आती, या इसमें कम से कम उस मर्द को सामने ले आती जिसकी वजह से ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। ट्विटर सार्फीन के कमेंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अवाम ने नहायत सख्त लहजे में वीडियो बनाने वाली खातून को खरी खरी सुनाई, जबकि एक सारिफ ने तो इस वाक़े में मलिक रियाज की बेटी का मुलव्विस होने का दावा किया और कहा कि वो वहाँ मौजूद थी जब उज़्मा खान पर तेल छिड़क कर उसको ज़दकोप किया जाता रहा। इसके साथ ही जिस अकाउंट से ये पोस्ट शेयर हुआ उसको भी सारिफीन ने शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इस पोस्ट को डिलीट करने पर ज़ोर दिया। हमें एक दूसरे की इज़्ज़तों का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आज हम किसी पर पर्दा डालेंगे तो कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर पर्दा डालेगा और हमारे ऐबों को छुपाएगा। अल्लाह हम सब की इज़्ज़तों को हिफाजत में रखे। आमीन आमीन। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह नेगहबान।